खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक संयुक्त मंच के जिलाध्यक्ष विद्या जैन ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक संयुक्त मंच के द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर शासन को हड़ताल की सूचना दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों को कांग्रेस सरकार के चुनाव के पहले जन घोषणा पत्र में नर्सरी शिक्षक के पद पर उन्नयन करें, साथ ही कलेक्टर दर पर मानोदय स्वीकृत करने की मांग की है। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर आए हुए हैं। सिर्फ पिछले 4 साल से जब से सरकार सत्ता में आई है, उसके पहले उन्होंने जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है 10 दिनों के अंदर मांग पूरा किया जाएगा करके, लेकिन 4 वर्ष निकल चुका है, अभी तक उनको हमारे लिए मतलब समय नहीं है, सूद नहीं लिया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द मांग पूरी करें। बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आई हुई थी, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि 6 सूत्री मांगे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो। उनका ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है और इसको वरिष्ठ कार्यकर्ता शीघ्र भेज दिया।